हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब? आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। मैं हूं कौशिक और आप लोगों के सामने नई सीरीज़ का आज पहला वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका नाम है काम की बात कौशिक के साथ। तो इस सीरीज़ में हम लोग बातें करते हैं कॉमन लोगों के, जो आम लोग हैं हम सब, उनके कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, जिससे जुड़ी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और आपसे मैं कमेंट के ज़रिए काफ़ी चीज़ें जानना चाहूँगा कि आप लोगों के लाइफ में वो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसको आप लोग दूर करवाना चाहते हैं। सो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। आज के वीडियो में व्यूवर्स हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में। देखिए, आधार कार्ड से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कुछ दिनों पहले, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है UIDAI, जिसका काम है कि आधार कार्ड का पूरा डेटा मैनेजमेंट रखना और आधार कार्ड छापना, जिसका काम है वो संस्था का नाम है UIDAI। तो उन्होंने जो है एक नया फरमान जारी किया है, जिसके थ्रू जो है आप लोगों को ये जानकारी मिलनी ज़रूरी है कि आधार कार्ड जो है आपको अपडेट कराना पड़ेगा, पूरे का पूरा अपडेट कराना पड़ेगा। अगर आपने 6 महीने पहले कराया है तो ठीक है, 6 महीने 2 महीने पहले कराया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर आपने उससे पहले किसी समय पे अपडेट कराया है तो जनरली आपको जो है आधार कार्ड अपडेट करवाना ही पड़ेगा। अब आधार कार्ड से जुड़ी मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ कि आधार कार्ड के अंदर कौन कौन सी ऐसी जानकारियाँ छुपी होती है जो कि आपकी खुद की होती है। इसमें होती है 2 टाइप की चीज़ें, पहली हो गई डेमोग्राफिक जानकारी, दूसरी हो गई बायोमेट्रिक जानकारी। तो बायोमेट्रिक जानकारी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जो कि आपके उंगलियों के निशान हैं, आँखों का आईरिस है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये आपकी खुद की है। अब इसे अपडेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टाइम से टाइम क्या होता है ना, आप जैसे चेंज होते रहते हैं, आपकी बॉडी चेंज होती रहती है, आपके उंगलियों के निशान और आपकी आँखों के आइरिस जो है मतलब कम ज़्यादा, किसी के उंगलियों के निशान घसने लग जाते हैं, किसी के आँखों का पुतलिया जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब पहले कुछ और होते हैं, अभी कुछ और होते हैं। कई लोगों की शक्लें बदल जाती है, वो लोग जो है मतलब कई लोगों को मैंने देखा है वो 20 साल 22 साल के, लेकिन उनके आधार कार्ड पर अभी भी 15 साल 14 साल वाली फ़ोटो लगी है। सो बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट कराना आपको बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, कहीं आप कोई स्कीम में जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराने जाएंगे, अपना अंगूठा लगाएंगे, तो सीधा सीधा आपका जो है अंगूठा आराम से लग जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी आईरिस भी बराबर से काम करने उसमें जो है फाइंड आउट हो जाएगी, ऑथेंटिकेट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो है आपका बायोमेट्रिक बहुत ज़रूरी है, आपको जो है ये अपडेट कराना है। और हाँ, अगर आपके पास बालक आधार कार्ड है, मतलब छोटे बच्चों का आधार कार्ड है, तो उसे रैपिडली हर 8 महीने 10 महीने या 1 साल के अंदर जो है आपको अपडेट कराना पड़ता है बायोमेट्रिक, क्योंकि बच्चे जो है बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं, जो कि 1 साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चे जो है उनकी शक्लें भी बहुत जल्दी बदलती हैं, हाथ पैरों के साइज़ भी बदलने लगते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बालक आधार है या फिर आपका जो बच्चे हैं जो 1 साल से लेके 14 साल की उम्र तक के हैं, ऐसे लोग जो है रैपिडली हर 6-8 महीने में 10 महीने में या 1 साल के अंदर अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है डेमोग्राफिक जानकारी, जो आपकी आधार कार्ड के अंदर है। डेमोग्राफिक जानकारी इन द सेंस आपका नाम, आपका पता, आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है आधार कार्ड के अंदर लिखी है। आप पते को तो बार बार बदल सकते हो, नाम में कोई मिस्टेक हो तो आप उसको एक बार बदल सकते हो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आप सिर्फ एक बार बदल सकते हो, ऐसा आधार कार्ड का नियम है, इसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। आप जो चेंज कर सकते हो बार बार, वो है आपका पता और आपका फ़ोन नंबर, ये 2 चीज़ें आप जो है जितनी चाहे उतनी मर्जी में आप उतने बार जो है चेंज करवा सकते हैं। आजकल कई स्कीमें ऐसी हैं जिसमें कि आपका ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है, उसके लिए जो है आपके फ़ोन में OTP आता है, तो आपको जो है पूरा फ़ोन जो है आपका अपडेट करा के रखना है। नया नंबर आपने लिया है तो पुराने को हटा करके नया अपडेट कीजिए, अगर आपका फ़ोन नंबर नहीं लिखा है तो वो लिखवा लीजिए। दूसरी चीज़, आपका पता आप बराबर से उसमें जो है अपडेट कराते रहिए। साथ ही साथ कई लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर लिखा है, 1958, 1962 या फिर 1977, बस इतना ही लिखा है, पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता। तो ऐसे लोगों को जो है पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप जो है अपना डिफॉल्ट डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं। जैसे किसी का जो है 1965 लिखा है और उनको उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो ऐसे में उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी 1965 कर दिया जाएगा। तो इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, आप जो है बेशक अपना आधार कार्ड पूरा अपडेट कराइए, ताकि आगे चल के जो है मैं आपको और भी ऐसे स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जहां आधार अपडेट बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बात मानिए आप, ये चीज़ बहुत काम की है, आपको जो है आपका आधार कार्ड अपडेट कराना है किसी भी हाल में। कहाँ अपडेट कराना है, कैसे अपडेट कराना है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्पेशली कोमरामेम डिस्ट्रिक्ट के हैं, कागजनगर के हैं, इस गांव के हैं, सिरपुर के हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर लिखा है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, 7386476917, इस पर आप कॉल कीजिए।
मैं आपको आराम से आपका आधार कार्ड पूरा जो है अपडेट करवा करके दे दूंगा। ऐसे में आपके ही हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप जो है आगे चल करके मैं वीडियोस में जो आपको बताऊंगा अलग अलग स्कीम्स के बारे में, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना आधार चेंज करना है। उसमें आपको फोटो चेंज करानी है, बायोमेट्रिक के जो आपके निशान है वो चेंज कराने हैं, आपका पता आपको सही लिखवाना है, आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखाना है, और आपको जो है ये आपका जो मोबाइल नंबर है ये भी उसमें ऐड करवाना है। इसके लिए आधार की एक फॉर्म लगती है, इसको आपको भरना है, सही से भरना है, और उसके बाद आपको जो है इसको अपडेट कराने के लिए सेंटर पर जाना है। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, आपके मन में किसी स्कीम को लेकर, किसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड को लेकर, या फिर किसी करियर गाइडेंस को लेकर कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत कमेंट कीजिए, मैं पूरे कमेंट्स पढ़ूंगा और उस पर जो है आपको वीडियो बना कर दूंगा, ताकि आपको भी आसानी मिले। तो आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।